गाइस, क्या हाल चाल। आप देखिए मैंने फोटो को क्लिक कैसे किया था। तो ये जो हमारे वॉशरूम में बाथरूम में पड़ी होती है ना फट्टी पटड़ा, इसको कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। तो इसको लेकर इसके ऊपर एक पैर को रखा था एंड साइड पे लुक दी थी थोड़ा सा एक्शन करके, एंड फोन में 5 सेकंड का टाइमर लगाकर फोटो को क्लिक कर लिया था। तो फोटो को क्लिक करने के बाद अब बारी आती फोटो को एडिट करने की, तो वो भी हम फोन के अंदर ही कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप जो है बैकग्राउंड को चेंज करना। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक नई बैकग्राउंड है, इसको हम शेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको ओपन कर देंगे हम पिक्सआर्ट में। इसको क्रॉस करके पहले सेटिंग्स एंड 5 मेगापिक्सल, इसको कर देंगे हम 8 मेगापिक्सल। तो यहां पर सबसे पहले हम अपनी फोटो को लेकर आएंगे, तो उसके लिए साइड से जाएंगे हम ऐड फोटो पर। तो हमारी फोटो भी आ गई, बैकग्राउंड भी आ गई। अब राइट साइड से यहां से जाएंगे फ्री क्रॉप में। अब हमें एक सिलेक्शन बनानी है खुद के ऊपर, यानी कि जो भी एरिया हमें चाहिए। तो ये सिलेक्शन बनाने के बाद ऊपर से क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर एंड यहां से हम कर देंगे सेव। सिंपल। अब जस्ट अपनी फोटो को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, मतलब जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, एंड सीढ़ियों के ऊपर इस तरीके से हम लगा देंगे। डन। तो हमने बैकग्राउंड को कर दिया चेंज। ऐड एक्स्ट्रा इमेजेस, इसके अंदर कुछ 2-3 एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेंगे। ऐड फोटो पर जाएंगे एंड यहां पर ये बास्केटबॉल और लाइट की फोटो है, इसको हम लेकर आ जाएंगे। लाइट को पहले साइड पर रख देते हैं, बास्केटबॉल को उठाया एंड ये हाथ के पास यहाँ पर मैं रखूंगा। ये सारी फोटो जो मैं यूज कर रहा हूँ इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जस्ट क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लाइट को उठाएंगे एंड सबसे पहले लाइट के ब्लेंड को हम कर देंगे स्क्रीन एंड इसके ना एजेस हैं कुछ, तो एजेस को रिमूव करने का और तरीका है, एडजस्ट पर जाकर यहाँ से जो कॉन्ट्रास्ट है उसको मैं बढ़ा दूंगा। ये देखिए ये पहले एजेस आ रहे हैं ना, तो उसको मैं जब बढ़ाऊंगा कॉन्ट्रास्ट को तो देखिए एजेस गायब हो जाएंगे। सिंपल। डन। एंड यहाँ से भी टन। तो अब चलते हैं हम साइड से ड्रॉ के अंदर। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले फोटो को सेव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमारे ये वाला स्टेप का नाम था ऐड एक्स्ट्रा इमेजेस। तो एक्स्ट्रा इमेजेस हमने 2 ऐड कर दी, एक लाइट और एक बास्केटबॉल। अभी और भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उनको ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ऐड करके देख लेता हूँ, बाकी आप मुझे बताएं कि वो भी एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले ऐड फोटो पर जाऊंगा, देन यहां पर ये गिटार है, एंड इसके बाद एक नई लेयर क्रिएट करके यहां पर ये टाइटल इमेज या टेक्स्ट इसको आप कह सकते हैं। तो अभी हम इसको भी सेव कर लेते हैं। हमने अभी 2 फोटोज को सेव किया है। इसके अंदर हम लाइटरूम का प्रीसेट यूज करके इसके कलर्स को और भी अच्छा कर देंगे। तो लाइटरूम को ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पर नीचे प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर मेरे पास एक प्रीसेट, उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड पिक्सआर्ट की अभी जो 2 इमेजेस हमने सेव किए उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 3 चीजें हमने ऐड कर ली। सबसे पहले प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से एंड अब इसकी करेंगे हम कॉपी सेटिंग्स। बाकी ये जरूरी नहीं आपके फोन में ये प्रीसेट वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रीसेट की सेटिंग्स क्या हैं। तो अभी ये सेटिंग्स का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अगर आपको यही सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो सिंपली इसकी सेटिंग्स को हम कॉपी कर लेंगे एंड पहले ये बिना गिटार वाली फोटो, इसके ऊपर हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे पेस्ट। क्या बात है, बिफोर आफ्टर। एंड हमारी ये टेक्स्ट वाली फोटो जिसमें गिटार भी है, तो इसके भी हम 3 डॉट्स पर जाकर पेस्ट सेटिंग्स। बहुत ही बढ़िया, तो इसको भी हम कर लेते हैं सेव टू डिवाइस, हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।